हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है बकरी खा गई दो गांव। एक बार की बात है, एक किसान सड़क पर भागते हुए चिल्ला रहा था कि बकरी मेरे दो गांव खा गई, बकरी मेरे दो गांव खा गई। सभी लोग हैरत में पड़ गए कि भला बकरी दो गांव कैसे खा सकती है। राजा के सेवकों ने यह सुना तो किसान को पकड़कर राज दरबार में राजा के सामने पेश किया। सेवकों ने राजा को बताया कि यह किसान पागलों की तरह चिल्ला रहा है कि बकरी मेरे दो गांव खा गई। राजा को उस किसान को देखते ही कुछ दिन पुरानी एक घटना याद आ गई। राजा उस दिन अपने मंत्रियों के साथ शिकार पर गया था। जंगल में वह सबसे बिछड़ गया और रास्ता भटक गया। भूख प्यास से राजा का बुरा हाल था। किसी तरह वह एक खेत पर पहुंचा। वहां किसान को देख राजा ने कहा, अरे भाई, मुझे जोरों की प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। तो किसान बोला, मैं आपको गन्ने का रस पिलाता हूँ। और किसान ने एक लोटे में गन्ने का ताजा रस निकाल कर राजा को पीने के लिए दिया। राजा रस पीकर बहुत खुश हुआ। वह बहुत ही ठंडा और मीठा था। राजा ने किसान से पूछा, यह कितने गन्ने का रस था? किसान बोला, केवल एक गन्ने का। तो राजा बोला कि ऐसा कैसे संभव है कि एक गन्ने से पूरा लोटा रस से भर जाए। किसान बोला कि यह राजा की कृपा से है, उनके नेक दिल और दरिया दिली की वजह से ऐसा संभव हो पाता है और एक गन्ने से ही लोटा भर मीठा और स्वादिष्ट रस निकल जाता है। राजा ने पूछा कि मुझे बताओ कि तुम गन्ने की खेती का कितना लगान देते हो? किसान बोला, मात्र 4 आने। सुनकर राजा हैरान हुआ। उसने सोचा कि यह लगान तो बहुत कम है, मैं दरबार लूटकर लगान और बढ़ा दूंगा। जाने से पहले उसने किसान से कहा कि अरे भाई, एक लोटा और गन्ने का रस ले आओ। किसान बोला, ठीक है। किसान ने गन्ना तोड़कर रस निकाला, किंतु एक के बाद एक 4 गन्ने का रस निकालने के बाद भी लोटा नहीं भरा। किसान ने दुखी मन से आधा भरा लोटा राजा को पीने के लिए दिया। राजा बोला, अरे लोटा खाली क्यों है, भरा क्यों नहीं? किसान दुखी होते हुए बोला, भाई, लगता है कि हमारे राजा की नियत खराब हो गई है और गन्ने के बारे में जरूर कुछ गलत सोच रहे हैं। राजा आश्चर्य में पड़ गया कि भला इंसान की नियत बदलने से पेड़ पौधे पर भी असर पड़ सकता है। मुझे आज एक बड़ी शिक्षा मिली। राजा ने किसान से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा राजा हूँ? किसान डर गया और बोला, हुजूर, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दें। राजा ने कहा कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुमने तो मुझे ज्ञान का पाठ पढ़ाया है। आज से मैं तुम्हारे सारे लगान शून्य करता हूँ। और किसान से कहा कि जाओ, एक लोटा और गन्ने का रस ले आओ। इस बार लोटा एक गन्ने के रस से ही पूरा भर गया। अब राजा बहुत खुश हुआ। उसने एक पीपल के पत्ते पर किसान को इनाम में 2 गांव देने का हुक्म लिखकर किसान को दे दिया और बोला कि दरबार में यह पत्ता दिखाकर पक्के कागज बनवा लेना। राजा के जाने के बाद किसान अपने काम में लग गया। पत्ता वहीं पास में पड़ा रह गया। तभी किसान की बकरी घास चरते चरते पीपल के पत्ते के पास पहुंची और पत्ते को खाना शुरू कर दिया। और जब तक किसान का ध्यान जाता, बकरी उस पत्ते को खा गई। अब किसान रोने लगा कि बिना पत्ते के राजा मुझे कैसे पहचानेंगे। और वह दरबार की ओर दौड़ते हुए चिल्लाने लगा कि हाय, बकरी मेरे 2 गांव खा गई। अब राजा को इस बात पर हंसी आ गई। उसने किसान को शांत करते हुए पक्के कागज पर 2 गांव देने का हुक्म लिख कर दिया और साथ ही किसान से कहा कि इस बार अपने दोनों गांवों को बकरी से बचा कर रखना। राजा की इस बात पर सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे।